जब पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, तो सबको लगता अब राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते इसमें से जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो अचानक एक दरबार बिठाया और दरबार में चार लोगों को पकड़ करके लाया, चारों को भी गले बांध देते। तो प्रश्न पूछा सबसे पहले दुर्योधन को, अगर तुम राजा बनोगे, राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी तुम उनको क्या सजा दोगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है। तो दुर्योधन जोश में उठता है, कहता है इन चारों को भी गले मार काट दो, मर्डर का बदला। अच्छा कहा कि ठीक है। तो यही प्रश्न फिर युधिष्ठिर को पूछा गया, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी तुम क्या करोगे? उस समय युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता मैं उनकी वर्ण पूछता हूं, जाति। शकुनी उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है, मतलब उसको लगता है मेरे भांजे ने जो बोला वो सही बोला है। तो फिर सब कहते हैं नहीं नहीं पूछा है तो बताओ। कहा कि इसमें एक है एक शूद्र, दूसरा है वैश्य, तीसरा है एक क्षत्रिय, चौथा है ब्राह्मण। कहा कि इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, वो भी शामिल था। इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, वो भी शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 8 साल, 8 नहीं, कहा कि इसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये शास्त्रों में जो भी घटनाएं हैं संगम युग की यादगार है। अगर हमने भी शूद्र बनकर के गलतियां की माफ हो सकती है, वैश्य बनकर के की थी माफ हो सकती है, क्षत्रिय बनकर के की माफ हो सकती है, लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर के गलतियां की उसको कोई भी माफ, क्योंकि ज्ञानी है, फायदा भी इतना है, एक अच्छा कर्म करते हैं 1000 गुना उसका प्राप्ति है, लेकिन एक गलती करती 1000 गुना। इसीलिए आज के इस भट्टी से पक्का करो मुझे अब कर्मों पर ध्यान देना है, कोई भी गलत काम नहीं। तो कई कहते हैं हम जो पहले जब यहां आए थे ना हम बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जब आए थे बोझ उतार दिया लेकिन दोबारा बोझ चढ़ाना शुरू किया। इसीलिए आज से हम